एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं 14x33 का हाउस प्लान। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 14x33 का डिस्कस करने वाले हैं, बोथ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का भी दोनों का डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसा वीडियो लाते रहते हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं, आप काफ़ी फ़ायदे होंगे। आप हमेशा आप देखेंगे हमारे बेस्ट फ्लोर प्लान एक प्ले लिस्ट है, उसमें बहुत सारे आपको प्लान मिल जाएंगे। तो आज हम लोग लाए हैं 14x33 का फ्लोर प्लान जो कि नॉर्थ ये फेस है, नॉर्थ फेस प्लॉट है। तो चलिए हम देखते हैं, हमने ग्राउंड फ्लोर का प्लान हुआ जो कि 12 फीट रोड पे अवेलेबल है। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान हुआ, इसमें हम चलते देखते हैं। ये रोड साइड व्यू है, इधर ये मेन एंट्री रहा, 4 फीट का मेन एंट्री है और मेन एंट्री साइड में इधर पार्किंग दिया गया है 11x9 फीट का। और इसमें आप देख रहे होंगे -12 इंच लिखा गया है, मतलब 1 फीट ये डाउन रहेगा नीचे, ये इसके कंपेरिजन में ये 1 फीट ऊंचा रहेंगे, एक नीचे रहेंगे पार्किंग। और ये मेन एंट्री होगा, यहाँ पे आप गेट लगा सकते हैं और यहाँ पे आप शटर लगा सकते हैं पार्किंग के लिए, आराम से गाड़ी आ जाएगी। 11x9 फीट है, ये रहा 4 फीट का पार्किंग, ये रहा मेन एंट्री रहा 4 फीट का। इससे हम लोग साइड में दिए हैं विंडो दिए हैं जो वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये रास्ता हो गया, इसके चलिए हम अंदर देखते हैं। ये रहा यूटिलिटी एरिया और यहाँ से स्टेयर है 3 फीट वाइड स्टेयर, और स्टेयर के नीचे हम लोग बाथरूम दिए हैं 4 फीट का, और यहाँ पे बेसिन लगाया गया है। और ये यूटिलिटी एरिया है, कोई किसी भी चीज़ के लिए आप यूज कर सकते हैं। यहाँ वेंटिलेशन दिया गया विंडो इधर इस साइड, और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है फर्स्ट फ्लोर पर। और ये डबल एंडिंग स्टेयर है, यूटिलिटी एरिया हो गया, ये विंडो हो गया, और इसमें एक बेडरूम भी दिया गया है। ये मास्टर बेडरूम है 14x10 फीट का, देखना यहाँ पे बेड लगा हुआ है 14x10 फीट का है। इधर विंडो दिया गया है और इस साइड भी विंडो दिया गया है 14x10 फीट का। और ये इधर से अब ऊपर जाने का रास्ता है, देखना हम 14x33 फीट का। तो ये रहा ग्राउंड फ्लोर का प्लान, फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये मेन एंट्री रहा, ये पार्किंग रहा जो कि 1 फीट डाउन है, और इससे हम लोग अंदर आते हैं तो यूटिलिटी एरिया हो गया, और ये ऊपर जाने का रास्ता हो गया। ये स्टेयर 3 फीट वाइड है और एक बेडरूम दिया गया है, बेडरूम से ही 2 विंडो दिया गया है, बेडरूम का साइज़ है 14x10 फीट। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पर कैसा प्लान रहा है। फर्स्ट फ्लोर का प्लान ये रहा, स्टार्टिंग में जो 12 फीट रोड था, और यहाँ स्टेयर बताते आपको, यहाँ स्टेयर से नीचे से हम लोग ऊपर आया है, तो ये यूटिलिटी एरिया हुआ, जैसा कि नीचे था वैसे सेम ऐसा ही यहाँ बनाया गया है। और यहाँ से विंडो, यहाँ पर विंडो दिया गया है और यहाँ पर बेसिन दिया गया है यूटिलिटी एरिया में। और इस पोर्शन में दिया गया, इधर बेडरूम दिया गया है जो कि 9x10 फीट का है, और इधर किचन दिया गया है 4x6x5 फीट का। और इस रूम से ही फ्रंट बालकोनी दिया गया है, राउंड में बालकोनी दिया गया है, यहाँ पे आप गमले वमले लगा सकते हैं। और किचन का साइज़ आप बता दिए आपको, बेडरूम ये हुआ 9x10 फीट, ये यूटिलिटी एरिया हुआ, ये फिर से ऊपर जाने का रास्ता हो गया। और इससे एक बेडरूम दिया गया है 12x10 फीट का, और इसी से अटैच एक बाथरूम दिया गया है 4 फीट स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे विंडो आप दे सकते हैं, इस साइड भी दे सकते हैं आप विंडो, अगर जगह है तो इस साइड विंडो दिया गया है। ये रहा फर्स्ट फ्लोर का प्लान, 2 बेडरूम दिया गया यहाँ पे 9x10 फीट का, और एक है 12x10 फीट का। और ये किचन रहा 4x6x5 फीट का, किचन से यहाँ विंडो दिया गया है, और यहाँ भी विंडो दे सकते हैं नहीं तो, और इस रूम का यहाँ विंडो दे सकते हैं। और ये गार्डन के लिए कुछ फूल भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और ये राउंड बालकनी दिया गया है, ये बेडरूम रहा 9x10 फीट का, इसकी एंट्री यहाँ से है और किचन के यहाँ एंट्री। ये थोड़ा यूटिलिटी एरिया दिया गया है, यहाँ पे फ्रिज वगैरह रख सकते हैं सब, यूटिलिटी एरिया हो गया, बेसिन लगाया गया है, ये फिर से ऊपर जाने का रास्ता हो गया। और ये बेडरूम हो गया 12x10 फीट, और बाथरूम हो गया यहाँ पे 4x7 फीट का, जो स्टैंडर्ड बाथरूम है। तो ये रहा फर्स्ट फ्लोर का प्लान 14x33 का, इसमें आप राउंड बालकनी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेंगे। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर कैसा प्लान बना। ये था पार्किंग एरिया 11x9 फीट का, 1 फीट डाउन था, ये मेन एंट्री हो गया, इसे विंडो दिया गया था, आप यहाँ पे शटर लगवा सकते हैं, और ये 4 फीट का मेन एंट्री रहा।
सिटिंग एरिया हो गया। इसी के नीचे हम लोग बाथरूम दिए हैं, यहाँ पर वाशरूम दिए हैं, और ये ऊपर जाने का रास्ता हो गया, ये हो गया, यहाँ पे बेसिन लगा हुआ है, और यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया था 14 फीट बाय 10 फीट का। अब यहाँ पे बाथरूम एक लग बना सकते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे मास्टर बेडरूम दिया गया है 14 फीट बाय 10 फीट का, जो डुप्लेक्स प्लान है। विंडो दिया गया है, यहाँ पर विंडो दिया गया है, इस साइड 14 फीट हो गया, इस साइड 33 फीट हो गया। फर्स्ट फ्लोर देखना था फिर से एक बार, फर्स्ट फ्लोर का ये प्लान रहा। साउंड बालकनी दिया गया था, किचन दिया गया था 4 फीट 6 इंच इंटू 5 फीट का, और बेडरूम दिया गया था 9 फीट इंटू 10 फीट का। स्टेयर 3 फीट वाइड डबल एंडिंग स्टेयर है, और ये बेडरूम है 12 फीट बाय 10 फीट का, और ये बाथरूम हो गया, और यहाँ से विंडो दिया गया था। काफ़ी अच्छा प्लान बना हुआ, डुप्लेक्स प्लान है 14 बाय 33 का। और प्लान अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिए जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसा प्लान लाते रहते हैं डेली, इससे आपको फ़ायदे होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये रहा 14 बाय 33 का हाउस प्लान। ऐसा नया कुछ प्लान लाते रहेंगे। अगर आपको भी कोई प्लान बनवाना है तो कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपलोड डिटेल, हम लोग जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे उस पर, और वीडियो अपलोड जल्द से जल्द हम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, एक भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।